We will look at assignment of CS601, question number 1. Data link layer controls node-to-node communication and there are two types of transmission links. तो दो किस्म की ट्रांसमिशन लिंक्स हैं, एक बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या और ब्रॉडकास्ट क्या है जी? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स वो हैं, लिंक्स वो हैं, दीज हैव सिंगल कम्युनिकेशन चैनल विच ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क शेयर। तो वो डायरेक्टली आप जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उसके पास एक ही चैनल होता है, उस वो चैनल बाकी कंप्यूटर या नेटवर्क के थ्रू आप शेयर करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट वो होता है जिसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो। दीज नेटवर्क्स हैव मैनी, इसके अंदर बहुत सी आपकी हैं, बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट जो कनेक्शन बनता है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। अब ये चीज़ें उसने आपको दे दी हैं, वो कहता है रेडियो स्टेशन। अब रेडियो स्टेशन क्या करता है, एक जगह पर आपका नेटवर्क होता है वो पूरे एरिया के अंदर या पूरे सिटी के अंदर आपको या कंट्री के अंदर आपको ब्रॉडकास्ट करता है चीज़ें, तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया। अब लेज़र, लेज़र जो है ये समवेयर बिटवीन है, इसको आप ब्रॉडकास्ट के अंदर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो पॉइंट टू पॉइंट भी उसके अंदर भी होता है। तो गूगल के ऊपर जितना मैंने सर्च किया है तो ये दोनों के अंदर पाई जाती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट होने के ज़्यादा चांसेस इसके हैं। बोर्ड रूम मीटिंग के अंदर वो भी ब्रॉडकास्ट है जी, एक आपके पास चैनल है और वो चैनल जो है आपने आगे डिवाइड किया हुआ या शेयर किया हुआ बाकियों के साथ। ब्लॉग्स लिखते हैं, आपको ब्लॉग्स के बारे में पता होगा, एक ब्लॉग्स लिखते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो वही आपका ब्रॉडकास्ट है। टेलीफोन कॉल, अब देखें मैंने कॉल की है अपने किसी स्टूडेंट को या अपने किसी दोस्त को, तो मेरा जो कनेक्शन उसके साथ बना है वो डायरेक्ट बना है पॉइंट टू पॉइंट, उसी नंबर के ऊपर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, सिंपल। फिर आगे वो कहता है सेकंड क्वेश्चन है जी, कहता है हमें डिस्टेंस आपने मालूम करना है। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, डी फॉर डिस्टेंस, ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास दो आपके पास कोड वर्ड्स होते हैं। अब दोनों कोड वर्ड्स के अंदर आपने देखना है डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे ज़ीरो है, कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे वन है, डिफरेंस है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो वन डिफरेंस हो गया, डिफरेंस जब हमारा वन हुआ तो जो डिस्टेंस है वो वन हो गया। फिर अजी आगे यहाँ पे भी ज़ीरो है यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो कोई डिस्टेंस नहीं। फिर यहाँ पे भी ज़ीरो है यहाँ पे वन है, तो डिस्टेंस टू हो गया। फिर यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस थ्री हो गया। तो आपने देखना है कितने जो आपकी बिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये मैंने करके दिखाया जी, यहाँ पे ज़ीरो और वन है तो ये वन एक हो गया, ज़ीरो वन ये है जी ये एक हो गया। तो ये साथ साथ आपने डिफरेंस चेक करना है, तो यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है यहाँ पे ज़ीरो है, तो आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा। इस तरह सेकंड के अंदर अगर हम जाएँ तो ज़ीरो है, ज़ीरो है कोई डिस्टेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे वन है, तो ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे ज़ीरो हैं, इसमें दो वन दो जो हैं वो आपके पास वन वन है, तो इसका डिस्टेंस टू हो गया। यहाँ पे वन वन कितने हैं जी, थ्री हैं, तो इसका डिस्टेंस फिर थ्री हो गया। यहाँ पे आपके पास वन वन फोर हैं, फोर टाइम्स वन पेयर हुआ है, तो आपका डिस्टेंस फोर हो गया। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपने देखना है। फिर कहते हैं जी आपने आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ एरर। हमें पता है कि टाइप दो किस्म के एरर्स हैं जी, एक को सिंगल बिट एरर बोलते हैं, एक को बर्स्ट एरर बोलते हैं। सिंगल बिट का मतलब सिर्फ अगर एक बिट का एरर आ रहा हो तो एक बिट जो है वो डिफरेंट हो। बर्स्ट एरर का मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा जो बिट्स हैं वो आपकी एरर हो जिसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने ये करके दिखाया, तो यहाँ पे सिर्फ एक बिट हो रही है, यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे वन एक दफ़ा आया, बाकी सारी बिट सेम है, तो यहाँ पे एक दफ़ा आया तो ये आपके पास सिंगल बिट एरर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइम आ रहा है, आपके पास तीन दफ़ा आ रहा, तो इसका मतलब ये बर्स्ट एरर है। तो जैसे ये आपके ना उसके अंदर क्वेश्चंस के एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि हमें डिस्टेंस फाइंड करें, सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर फाइंड करें, ये चीज़ें दी जाएंगी। इसी तरह से आपको ये असाइनमेंट दी जाती है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आगे आप फर्दर इनको लेके चलें। सो गुड लक।